है ना। ये भी बुश का ही पार्ट है ना। हाँ, इसके लिए ठोकना पड़ता है। अभी स्टेयरिंग बॉक्स के अंदर ये रैक बूस अंदर फिट कर दिया गया है। ये रहा रैक बूस, ग्रीस लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब इसको ग्रीसिंग किया जाएगा। ये जो हमारा पूरा रैक असेंबली है, इसमें प्रॉपर ग्रीसिंग किया जा रहा है। ये अब इसमें पूरी तरीके से ग्रीसिंग हो गई है। हल्का ग्रीस दे देना है। अब इसमें भी बॉक्स में जिसमें देना है, इस साइड क्या वो पिनियन लगता है ना। हाँ, पिनियन के जगह पे हल्का दे देना है। इसके बाद हम रैक इधर से घुसाना है। अच्छा, अब ये फिटिंग करना है इस साइड से। चलता इस साइड से डालना है। ये पूरा रैक इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये फिट हो गया है रैक। अब पिनियन ग्रीसिंग हो रहा है। अभी पिनियन ग्रीसिंग करके लगा दिया गया ये है ना। लगा रहे हैं, लग गया ये। इसके बाद इसका नट जो है। अच्छा, ये पिनियन को पकड़ के रखने के लिए नट लगाया जाता है ना। इसका जाम है नट। ये है इसका पूरा प्लंजर असेंबली, जिसको डंपर किट असेंबली भी बोलते हैं। अभी इसकी वजह से ही इसके स्टेयरिंग बॉक्स में प्ले आ गया था। ये नया बुशिंग, स्प्रिंग, ये सारा रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये ब्लैक वाला डलता है ना। क्योंकि यही बूस है, यही डलाता है। उसके बाद इसमें हम स्प्रिंग देंगे। अच्छा ठीक है, स्प्रिंग लगाएंगे। इसके बाद इसका नट। इसके बाद बॉल जॉइंट फिटिंग करेंगे। इसके बाद अब हम बॉल जॉइंट फिटिंग करेंगे है ना। ये नया लॉक है ना। बॉल जॉइंट लॉक है, इसका ये घाट है और इधर घाट है। अच्छा अच्छा, जिसमें ये फिट बैठेगा। हाँ, घाट में बैठा देना। बैठ गया। ये बॉल जॉइंट कनेक्ट हो गया है ना। इसको प्रॉपर अच्छे से टाइट कर दिया गया है। टाइट कर दिया पिनियन को है ना। पूरा फिनल टाइट कर, पिनियन टाइट करने का ये टूल्स है। इस वीडियो में जो आप देख रहे होंगे, हम जो स्टेयरिंग बॉक्स को रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम रैक और पिनियन के पास जो प्लंजर असेंबली लगती है, उस बूस में प्ले आ जाने के बाद जब आप स्टेयरिंग को रोटेट करेंगे तो उसमें आपको प्ले, बिल्कुल प्ले साउंड, आपको नॉइज़ उसमें आता हुआ दिखेगा। तो उसको रिपेयर करने के लिए हम वो बूस रिप्लेस करते हैं, पूरी डंपर असेंबली किट रिप्लेस करते हैं प्लंजर वाले यूनिट को है ना। यही हुआ मेन एडजस्ट करना, कितना पर आना चाहिए। अच्छा, कितना पर रहना चाहिए। जैसे जैसे कि फुल टाइट कर दिए हैं, उसमें हल्का ढीला कर देंगे। अच्छा, उसके बाद इसका प्ले देखेंगे रैप का। अच्छा, बहुत काफी टाइट हो गया। ये काफी टाइट हो गया है ना। थोड़ा भी प्ले नहीं है, थोड़ा भी प्ले नहीं है ना। नहीं,
अच्छा, तो वही से एडजस्ट कर देखते हैं। हल्का प्ले रखना होता है क्या? नहीं, प्ले हल्का नहीं रखना होता, तो ज्यादा टाइट भी ना हो और बिल्कुल प्ले भी ना हो। घुमा कर देख लेते हैं, ज्यादा मेरा स्ट्रिंग जामो हुआ। अच्छा 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 अच्छा, ये इसे देख रहे, पिनियन रोटेट करने के बाद हमारा जो रैक असेंबली है वो स्लाइड हो रहा है स्ट्रिंग बॉक्स में, ये आप पूरा देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम स्मूथ है। हाँ, स्मूथ है। इसके बाद फिर एक बात चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा भी प्ले नहीं है। हाँ, प्ले नहीं रखना है। ये चेक हो गया है कि हमारा स्टीयरिंग बॉक्स में जो रैक स्लाइड करता है वो बिल्कुल फ्री है ना, जाम नहीं है। ये स्टीयरिंग बॉक्स रिपेयरिंग कंप्लीट हो गया है ना, जो हमको बूस रिप्लेस करना था वो कर दिए। अब हमको डायरेक्टली गाड़ी में फिट करना है ना। अच्छा, बूट इधर से पहना दिया गया इसको है ना। ये बूट को, बूट का लॉक है ना, लॉक है। इधर भी हम बूट को, इसको जो है अब हम लॉक जो है इसको लॉक करेंगे। अच्छा, इसको लॉक करेंगे लॉक के। अच्छा, इतने पे स्टीयरिंग को लॉक करना है ना। अच्छा, फिर हमने बूट को एज इट इज पिना दिया है ना उसमें। ये पूरा स्टीयरिंग बॉक्स हमारा अब कंप्लीट हो गया है ना। ये इसको बस कवरिंग कर रहे हैं। देते जैसे ये हमारा इस जॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, बॉल जॉइंट, ये हो गया टायर एंड, टायर रॉड एंड है ना। हाँ, ये हो गया बॉल जॉइंट, ये हो गया हमारा बॉल जॉइंट है ना। ठीक, ये हमारा पिनियन हो गया, ये पूरा बॉक्स असेंबली हो गया है ना। ठीक,